सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून 2010 में लागू किया था और इस कानून में यही बताया गया था कि हर स्कूल में और हर बच्चे को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन यह मुद्दा प्राथमिक विद्यालय नया बहादुर टोला की है जो कि बारी प्रखंड के कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। इस स्कूल में अपना पक्का भवन नहीं रहने के कारण और शौचालय नहीं रहने के कारण बच्चे लोग एक झोपड़ी और तथा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो आपका स्कूल का भवन नहीं है तो आपको पढ़ने में क्या क्या दिक्कत होते हैं, क्या क्या समस्या आती है आपके पास? बरसात में हम लोगों को कट्टे साले के घर भागना पड़ता है। और सर्दी में धूप लगता है इसलिए ठंडा, और ठंडे के मौसम में हम लोगों को बाहर में बैठना पड़ता है। और शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। तो आपका स्कूल में कितना बच्चे हैं? मेरे स्कूल में अभी तक कुल नामांकित 257 बच्चे हैं। और कितना लड़का कितना लड़कियाँ हैं? 147 लड़के हैं और 110 लड़कियाँ। तो आपका स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, क्या समस्या है स्कूल का? इस विद्यालय के साथ समस्या ये है कि बिहार सरकार की जमीन में अभी संकालित की जा रही है। इस जमीन के लिए आम सभा से पारित की गई है। अंचलाधिकारी को आवेदन 3 वर्ष पूर्व से देते आ रहे हैं लेकिन NOC नहीं मिलने के कारण शिक्षा विभाग यहाँ तक अभी तक भवन हेतु राशि आवंटित नहीं। तो यहाँ सरकारी आदमी कभी जांच उच में आए थे क्या? आते हैं, अक्सर आते हैं, चले जाते हैं लेकिन पता नहीं, फिर भी यहाँ अभी तक भवन हेतु राशि आवंटित नहीं। और आपका स्कूल का भवन नहीं है तो आप कहाँ बैठ के पढ़ती है? नीच में घर पर कर भाग जाती है। और शौचालय के लिए कहाँ जाती है? घर। तो आप अभी क्या चाहते हैं, स्कूल आपका भवन बन जाए? भवन चाहते हैं। स्कूल में जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे के ही समान है, अतः मेरा फर्ज बनता है कि हम इन सारे बच्चों को मदद करें, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई है। मैं चाहती हूँ कि स्कूल का भवन तथा शौचालय जल्द से जल्द बने जो कि बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। जितने भी दर्शकों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का नंबर है 94-30-93-13-66, इन पर कॉल करके दबाव बनावे कि इस स्कूल का भवन तथा शौचालय जल्द से जल्द बने जो कि बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया नेट के लिए।